हेलो नमस्ते यादव सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा काय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों आज के मेरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस सोनेट HDX जो हमारे पास आई है टू गेट इटसेल्फ द बेस्ट इन क्लास ऑफ एक्सेसरीज। दोस्तों ये एक सोनेट के बेस मेड मॉडल नहीं है, ना ये टॉप मॉडल, ये एक मिड वेरियंट गाड़ी है, लेकिन स्टिल इसके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मिसिंग आउट है, जो आज हम इसे अपग्रेड करके एक GT लाइन से भी बेटर बनाने वाले हैं। हाउ आर वी डूइंग इट भाई, हम इसके अंदर कंपनी के स्टॉक प्लेयर में देने वाले हमारे सोनी लेंस के रेजर 2.0 का 360 कैमरा हम इसके अंदर डालने वाले, सीट कवर्स एंड नॉट ओनली द कवर्स दोस्तों, हम इसके पीछे लगा रहे प्रॉपर वर्किंग वेंटिलेशन सिस्टम। हम इस गाड़ी के अंदर जो एक बेर मिनिमम बेसिक जैसे मैट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स, नैनो सिरामिक फिल्म, वो भी कई सारे एक्सेसरीज लगाने वाले हैं। मतलब बेसिक एक्सेसरीज के साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट्स भी लगने वाले हैं इस गाड़ी में जो एक टॉप मॉडल GT लाइन में भी नहीं आते। तो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, जस्ट स्टे ट्यून, लेट मी गेट द वर्क स्टार्टेड। डोर में जिस तरीके की डैम्पिंग होने वाली है, बॉनेट में जिस तरीके से डैम्प होने वाला है, द ओवरऑल अपग्रेड इज गोइंग टू बी अनदर डिफरेंट लेवल फ्रेंड्स। तो स्टे ट्यून विद मी, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस गाड़ी का अपग्रेड हुआ है ओवरऑल, एंड देन यू कैन प्लान आउट टू गेट दीज थिंग्स फॉर योर कार एज वेल। दोस्तों हमारी ये सोनेट HDX मॉडल अब पूरी तरीके से एक्सेसराइज होकर रेडी हो चुकी है, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू प्रूव यू कि ये गाड़ी अब GTX से भी बेटर बन चुकी है। तो दोस्तों दिस इज़ हाउ द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द व्हीकल इज़ एक्चुअली। आपको तो पता ही है सोनेट गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट के अंदर व्हाइट कलर के LEDs आते हैं, दोज आर नॉट एक्चुअली इनफ फॉर अ गुड फोकस ऑन द रोड। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो फॉग लाइट्स देती है, प्रोजेक्टर लेंस देती है, एंड वो प्रोजेक्टर के पीछे जो हैलोजन बल्ब आता है, हम उसे भी अपग्रेड करके प्रॉपर व्हाइट LED लाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जिस तरीके से फोकस एंड रोड पे आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। दोस्तों हमने ये प्रोजेक्टर के पीछे लेजर फ्लक्स लाइट्स डाले हैं, जिसका फोकस एंड थ्रो इज लिटरली अनदर डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। एंड डालने के बाद जिस तरीके से ये ओवरऑल व्हाइट लुक भी आता है, इट इज़ अ प्रॉपर ब्यूटिफुल अपग्रेड व्हाट इज बीन डन इन टर्म्स ऑफ द लाइटिंग अपग्रेड। वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस गाड़ी का प्रोफाइल देखोगे तो कई सारे क्रोम एस्थेटिक्स दिखेंगे आपको, जैसे द लोअर विंडो गार्निश, डोर साइड बीडिंग एंड द टायर फेंडर क्रोम्स। लेकिन टू मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल में डाले हैं, इज़ वन द नैनो सिरामिक फिल्म, जो एक बेसिकली 70% ट्रांसपेरेंट पेपर है, लेकिन दोस्तों एक जेट ब्लैक फिल्म के जैसा ये काम करती है। मतलब आपको 99% UV रेज जितने गाड़ी पे हिट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, 94% IR रेज रिजेक्ट हो जाएंगे, 55% हीट रेज रिजेक्ट होंगे, एंड दिस इज जनरली व्हाट यू गेट इन जेट ब्लैक पेपर। तो दोस्तों अब जेट ब्लैक के पेपर के अंदर जो आपको फोकस और जो तरीके से आपको AC एफिशिएंसी मिलती है, वो आपको 70% ट्रांसपेरेंट फिल्म में भी मिलेगी। ये सिर्फ साइड्स एंड डिक्की नहीं दोस्तों, सामने विंडशील्ड पे भी आता है, ताकि जिस तरीके से ये हीट रिजेक्ट करेगा, जिस तरीके से सामने के हेडलाइट को भी ग्लेयर रिजेक्ट करेगा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सेसरी। सेकेंड बेस्ट थिंग व्हाट वी हैव डन इज द डोर पैनल्स के अंदर डैम्पिंग। अभी बिकॉज द डोर पैड्स आर फिटेड, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से इसमें डैम्पिंग का काम हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही वेग तरीके से बताऊंगा कि डैम्पिंग होने के बाद किस तरीके से एक डेप्थ इंक्रीज हो जाता है हमारे ओवरऑल गाड़ी के डायनामिक्स में। वेल ये गाड़ी का पैनल है जो डैम्प नहीं हुआ है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हॉलो, कितना खोखला है। एंड वही सेम अभी जो हमारा डैम्प डोर है उसकी आवाज़ सुनेंगे। कैन यू सी दैट डिफरेंस एक्चुअली ओवर हियर दोस्तों, दैट डेप्थ इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसमें डैम्पिंग का रिजल्ट हुआ है। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस करोगे गाड़ी ड्राइव करने में, जिस तरीके से बाहर की नॉइस कट ऑफ होगा, जिस तरीके से गाड़ी का एक कैबिन नॉइस शांत होगा, एंड जिस तरीके से एक ऑडियो क्लैरिटी में भी एनहेंसमेंट आएगा, इट इज़ इन अनडाउटेडली अ ब्यूटिफुल अपग्रेड। लेकिन फ्रेंड्स इट डजेंट एंड ओवर हियर, हमने इसके सिर्फ डोर्स में ही डैम्प नहीं किया है, बल्कि इसके बॉनेट को भी पूरी तरीके से डैम्प किया है। एंड बॉनेट के अंदर जो डैम्पिंग होती है बहुत ही ज़्यादा अलग मटेरियल से बनती है। तो अगर आप देखोगे इस गाड़ी के अंदर हमने जो बॉनेट में डैम्पिंग की है, इज़ बाय मॉरेल ब्रांड, जिसका अनडाउटेडली रिजल्ट इज टोटली वर्थ इट। दिस इज द प्रॉपर मॉरेल डैम्पिंग विच इज़ डन ऑन द बॉनेट। दोस्तों ये 10 mm की शीट है जो पूरे बॉनेट पे लगी है, एंड लगने के बाद इसका जिस तरीके से रिजल्ट आया है, जिस तरीके से एक जो ये इंजन नॉइज जो आती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द ट्रू आउटपुट जो गाड़ी के अंदर आपको आएगा, इट इज़ एन थिंग टू एक्सपीरियंस। तो चाहे आपकी एक होंडा हो, हुंडई हो, किया हो, मारुति हो, फोक्सवैगन हो या टोयोटा हो, हर गाड़ी के लिए डोर डैम्पिंग एंड बॉनेट डैम्पिंग इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग अ मस्ट हैव एक्सेसरी।
देन रेयर प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो यू विल फाइंड टेल लाइट क्रोम ओवर हियर एंड ऑल्सो द ब्यूटिफुल रिफ्लेक्टर लाइट्स। वेल फ्रेंड्स, अगर आप ये रिफ्लेक्टर को क्लोजअप में आके देखोगे तो इसके अंदर जिस तरीके से ब्यूटिफुली सोनेट की एक बैजिंग की गई है, इट डज मेक दिस प्रोडक्ट लुक वेरी लाइवली, वेरी यू नो हैपनिंग काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर आपको ब्रेक, पार्किंग, इंडिकेटर तीनों में भी ये काम करेगा। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार दोस्तों, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज द सीट कवर्स जो हमने इसमें डाले हैं। दिस इज आर प्रॉपर आर्टिको लेदर के सीट्स। कलर कॉम्बिनेशन हमने जो रखा है इज द इंटीरियर कलर कॉम्बिनेशन ओनली। हमने यहाँ पर कोई ब्लैक एंड रेड वगैरह नहीं रखा है। आपका जो डैशबोर्ड, डोर पैड, पिलर्स का जो ब्लैक एंड लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन है, सेम उसी के अंदर ये सीट कवर्स भी बनाए गए हैं। दोस्तों, आज सीट कवर्स में कलर डिज़ाइन से मतलब ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द मटीरियल। ये आर्टिको लेदर का जो सीट है, जिस तरीके से फिट होने के बाद जो एक आपको कंफर्ट लेवल देगा, इट इज़ अनडाउटेडली ब्यूटीफुल। प्लस हीट जनरेट होना, पील होना, फटना कोई स्कोप ही नहीं है। सेंटर में जो ये परफोरेशन सेट विल मेक श्योर कि भाई आपके बैक और बेस के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो मेंटेन रहे। एंड द बेस्ट पार्ट, आप गाड़ी को 4 घंटे भी समर में पार्क करिए और बर्निंग लेदर रेग्जीम्स में लाने का इसमें स्कोप नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द सीट कवर्स, हमने इस सीट कवर्स के पीछे एक प्रॉपर वर्किंग वेंटिलेशन मैकेनिज्म लगाया है जो इस तरीके से दिखता है। वेल, ये जो एक ब्यूटीफुल आप स्विच यहाँ पर देख रहे हो, इज़ द प्रॉपर वर्किंग वेंटिलेशन सिस्टम ऑफ दिस सेटअप। तो जस्ट बाय सिंगल क्लिक को वही आप देख सकते हो कि लेवल 3 के अंदर ये हमारा प्रॉपर वर्किंग वेंटिलेशन सिस्टम चालू हो चुका है। हम इसमें एज इट इज़ कंट्रोल कर सकते हैं बाय लेवल 2, लेवल 1 और स्विचिंग इट ऑफ। लेकिन दोस्तों, मैंने जब ये ऑन किया, इट इज़ रफली टेकिंग मी अराउंड 4 to 5 seconds टाइम। एंड उस 5 सेकेंड के अंदर मेरे बैक एंड बेस में से आई कैन एक्चुअली फील राइट नाउ अ कूल एयर विच इज़ गशिंग आउट। एक ठंडी हवा यहाँ पर से पास हो रही है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। ऐसा नहीं है कि भाई खाली बस नेम सेक के लिए वेंटिलेशन सिस्टम है। इट रियली डज गिव अस अ लॉट ऑफ यू नो क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ एयर फ्लो एंड एक ठंडी हवा महसूस होती है ये लगने के बाद। अगेन फ्रेंड, दिस इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने इसमें डाला इज द 360 कैमरा इन द स्टॉक प्लेयर ओनली। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे, हमने यहाँ सिस्टम को कोई चेंज नहीं किया। इट इज़ द सेम स्टॉक प्लेयर जो बाय डिफॉल्ट HTX के अंदर गाड़ी के साथ लग के आता है। लेकिन इस प्लेयर के अंदर हम जब यहाँ पर अभी रिवर्स गियर डालेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा स्क्रीन यहाँ डिवाइड हो चुका है विद द रिवर्स व्यू एंड द बर्ड व्यू। दिस इज योर कार्स एंटायर 4-sided व्यू जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। रिवर्स गियर से हटाते ऑटोमेटिक 1 सेकंड के लिए सामने का व्यू आएगा, देन इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल डिस्प्ले। इंडिकेटर डालते ही एज इट इज प्रॉपर राइट साइड का पूरा व्यू आ जाएगा हमें। लेफ्ट इंडिकेटर डालते ही एज इट इज लेफ्ट साइड का पूरा व्यू आ जाएगा। प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेटअप इज दैट दोस्तों, हम जब रिवर्स गियर में इसको जब देखते हैं, इसके अंदर टर्निंग गाइडलाइंस भी है। तो हम जब यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, वेट लेट मी स्विच इट ऑन राइट, और रिवर्स गियर डालेंगे तो आप देख सकते हो जैसे हम टर्निंग को टर्न कर रहे हैं स्टेयरिंग को, वैसे ही इसमें गाइडलाइंस भी टर्न हो रहे हैं इन द बर्ड व्यू एंड इंडिविजुअल व्यू बोथ। दोस्तों, ये कोई यूनिवर्सल डिवाइस नहीं है, दिस इज कस्टम फिट ओनली टू किया व्हीकल्स। हमारे पास इसमें मेड फॉर किया, मेड फॉर हुंडई, मेड फॉर फोक्सवैगन एंड मेड फॉर स्कोडा, ये 4 गाड़ियों के लिए आज रेडी है ये सेम किट एंड ऑल्सो फॉर जीप। तो क्वालिटी वाइज सोनी लेंस कैमराज, आप क्लैरिटी देख सकते हो, कैलिब्रेशन देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से किया गया है, कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अ 360 कैमरा इज दैट दोस्तों, हम जैसे गाड़ी ड्राइव करेंगे वैसे ही गाड़ी के चारों तरफ ये रिकॉर्डिंग भी करेगा। तो कल के दिन कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो इसी सिस्टम के अंदर हम रिवाइंड करके प्ले करके देख सकते हैं इन प्रॉपर फुल HD क्लैरिटी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से हमने ये सोनेट गाड़ी को एक्सेसराइज किया है। भाई, अगर आप लोग को भी हमारा ये काम, ये प्रोडक्ट्स और ये लाइनअप पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन डाउन। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दोस्तों, एंड उनको भी पता लगे कि भाई क्या क्या कर सकते हैं हम कौन कौन सी गाड़ियों के साथ। एंड दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी गाड़ी आज हमारे पास एक्सेसराइज हो तो ऑल यू हैव टू डू इज ड्राइव डाउन टू कार्स सोनेट्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद एंड वी कैन गेट इट गोइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइव।